Very good morning, my dear students. Yesterday, I told you about food and its components or nutrients. Okay, today I took these two topics. One is cereal and another is pulses. Cereals and pulses. In these are two categories of our food. Now, first is about cereal. Cereal means anaj. Cereals means anaj or food grains. Examples of cereal are wheat, gehu, rice, chawal, barley, jow, maize, makka. These are the examples of cereals, food grains. Okay? Now, these food grains or cereals, we need near about 300 gram per day, right? लगभग 300 ग्राम सीरियल यानी गेहूं चावल मक्का और जौ ये हमें लगभग 300 ग्राम पर डे यूज करना होता है यानी वी नीड 300 ग्राम पर डे. ओके, नाउ दीज सीरियल्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड. So, here cereals. These cereals are good source of carbohydrate. So, they give us energy. They also contains vitamins and minerals. Wheat, rice, barley and maize. They contains various vitamins like vitamin B1, B2, vitamin C and in mineral category, iron, magnesium, calcium, zinc. There are so many minerals which are present in maize and wheat. They have low quantity of fat. Fat बहुत कम होता है इनमें, right? और जैसे कि मैंने बताया लगभग 300 ग्राम सीरियल्स हमें पर डे चाहिए. और सीरियल्स गिव अस एनर्जी. दे आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट. जनरली 2000 to 2700 किलो कैलोरी एनर्जी नीडेड बाय ए पर्सन पर डे. लगभग 2000 से 2500 के आसपास किलो कैलोरी एक आदमी को चाहिए. तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ 300 ग्राम सीरियल्स मिनिमम यूज करनी है, हम कंज्यूम करते हैं, राइट. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज पल्सेस. पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड वी नीड ओनली नियर अबाउट 50 ग्राम पल्सेस पर डे. हम 50 ग्राम पल्सेस पर डे यूज करते हैं. ये ऑल्सो फ्री ऑफ कोलेस्ट्रोल एंड वेरी लेस फैट, नो फैट, नियर अबाउट लगभग फैट इसमें नहीं होता है. पल्सेस में फैट नहीं पाया जाता है. व्हाइल पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड. पल्सेस आर बॉडी बिल्डिंग फूड. पल्सेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड, राइट. नाउ इन दिस कैटेगरी पल्सेज देर आर टू सब ग्रुप. दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं. पहला पल्सेज है लेंटिल्स. लेंटिल्स दालें लाइक मूंग, अरहर, मसरी, उड़द, ये दालें लेंटिल्स होती हैं. इनको हम लेंटिल्स कैटेगरी में रखते हैं. और दूसरा है लेग्यूम कैटेगरी, लेग्यूम ग्रेन्स. फॉर एग्जाम्पल ग्राम, सोयाबीन, बीन्स. ओके, सो दीज आर लेग्यूम ग्रेन्स एंड दीज आर लेंटिल्स. बोथ आर कॉल्ड पल्सेस. दोनों को मिलाकर के पल्सेस कहा जाता है, जो कि प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है. पल्सेस ऑल्सो कंटेन्स जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम. ओके, दीज मिनरल्स एंड दे ऑल्सो कंटेन्स ए फ्यू विटामिन्स
विटामिन B1, B2, B3 एंड विटामिन के। सो ये इस तरह के कुछ विटामिन और मिनरल्स पल्सिस में पाए जाते हैं, और बट पल्सिस जो है प्रोटीन्स का मेन सोर्स है, राइट। सो हियर टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट सीरियल्स एंड पल्सिस। सीरियल्स ग्रास फैमिली से है, ग्रास फैमिली में, जिसमें कि ऐसे फूड ग्रेन्स जो हम ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं, राइट, दे आर सीरियल्स। एंड जो हम कम क्वांटिटी में यूज करते हैं, ये लेग्यूमिनस, लेग्यूम जिनको बोला जाता है, तो ये पल्सिस हैं, राइट। सो नाउ आई गिव यू वन टास्क, यू कलेक्ट ए लिटिल अमाउंट ऑफ दीज एग्जांपल्स ऑफ सीरियल्स एंड पल्सिस, राइट, एंड स्टेपल इन योर स्क्रैप नोटबुक। अपनी एक स्क्रैप नोटबुक बनाइए, उसमें आप थोड़ा थोड़ा सैंपल वीट, राइस, बार्ले, मेज एंड वेरियस पल्सिस, ग्राम, सोयाबीन, इनको हम छोटी छोटी पन्नी में हम इस सैंपल की तरह लेकर के, और उनके नाम लिखिए, राइट देयर नेम्स, सो डेट यू विल कम टू नो व्हाट आर सीरियल्स एंड व्हाट आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पल्सिस। ओके, थैंक यू।